हेलो हेलो गैजेट ब्रूड देखने वालों, मेरा नाम है श्रेयस और आज मैं करने वाला हूँ Redmi Note 8 Pro वर्सेस Realme XT का एक कंपैरिजन। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हमारा जो है यहाँ पे लेटेस्ट लॉन्च Redmi Note 8 Pro क्या हमारे Realme XT को यहाँ पे बीट कर सकता है, या हमारा Realme XT जीतेगा, क्या हमारा Redmi Note 8 Pro जीतेगा। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे दोनों ही डिवाइसेस की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो जैसा कि आप देख सकते हो, दोनों ही डिवाइसेस का यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा Redmi Note 8 Pro आता है उसमें आप जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडियंट फिनिश मिलती है। यहाँ पे मैंने मंगाया इसका हेलो वाइट कलर, और Realme XT में भी मैंने वाइट कलर मंगाया है और इसमें भी हमें यहाँ पे ग्रेडियंट फिनिश मिलती है। और दोनों ही का जो डिज़ाइन है यहाँ पे वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एलिगेंट लग रहा है, और दोनों में हमें यहाँ पे ग्लास बैक मिलती है। तो इसलिए जो बिल्ड क्वालिटी है दोनों ही डिवाइसेस की यहाँ पे वो काफ़ी अच्छी है। बट मैं एक आपको बात बताऊँ, यहाँ पे Realme की वैसे बिल्ड क्वालिटी उनके प्रीवियस डिवाइसेस में इतनी अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि उसमें पॉलीकार्बोनेट बैक होती थी। यहाँ पे Realme ने इसमें XT में यहाँ पे जो ग्लास दिया है, जो क्वालिटी का ग्लास दिया है, वो मुझे यहाँ पे पर्सनली Redmi Note 8 Pro के ग्लास से ज़्यादा बेटर लग रहा है, ज़्यादा स्टर्डी इन हैंड फील यहाँ पे जो है वो मेरे हिसाब से Realme XT की जो इन हैंड फील है वो ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे Redmi Note 8 Pro से। बट Redmi Note 8 Pro की भी क्वालिटी इतनी बुरी नहीं है, यहाँ पे अच्छी है उसकी भी। बट मेरे को अगर मैं एक इन हैंड फील एक एक्सपीरियंस बताऊँ आपको कि दोनों में से कौन सा बेटर है, तो मेरे हिसाब से 19-20 का ही फ़र्क है, बट Realme XT ज़्यादा प्रीमियम फील होता है हाथ में। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँ अगर दोनों ही फ़ोन्स की, अगर डिस्प्ले एंड परफॉर्मेंस की, तो जैसा कि आप देख सकते हो दोनों ही फ़ोन्स का यहाँ पे जो डिस्प्ले मिलता है, यहाँ पे जो हमारा Realme XT आता है वो आता है हमारा 6.4 इंच की यहाँ पे फुल HD प्लस की डिस्प्ले, और जो हमारा यहाँ पे Redmi Note 8 Pro आता है वो आता है हमारा 6.53 इंच की यहाँ पे फुल HD प्लस की डिस्प्ले। अब यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे सिग्निफिकेंट यहाँ पे डिफरेंस है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे Realme का XT आता है वो आता है हमारा AMOLED डिस्प्ले के साथ यहाँ पे, और जो AMOLED डिस्प्ले है वो यहाँ पे बेटर मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू IPS, और जो हमारा Redmi Note 8 Pro आता है वो आता है हमारा IPS डिस्प्ले के साथ में। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो यहाँ पे Realme XT की ज़्यादा अच्छी है, और उसी वजह से Realme में AMOLED डिस्प्ले की वजह से यहाँ पे Realme में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, और Redmi Note 8 Pro में यहाँ पे फिजिकल फिंगरप्रिंट मिलता है यहाँ पे जो पीछे की साइड में है। तो मेरे हिसाब से जो दोनों के फिंगरप्रिंट स्कैनर वो काफ़ी फास्ट है, और लेकिन आपको एक एडेड एडवांटेज मिल रहा है यहाँ पे Realme XT में, क्योंकि आपको AMOLED डिस्प्ले की वजह से उसकी डिस्प्ले की क्वालिटी भी अच्छी है, और उसकी वजह से आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो यहाँ पे Realme XT की ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 8 Pro। अब मैं बात करूँ अगर दोनों ही फ़ोन्स की यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में यहाँ पे दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे Realme का XT आता है वो आता है हमारा Snapdragon का 712 के साथ में, और जो हमारा यहाँ पे Redmi Note 8 Pro आता है वो आता है हमारा MediaTek का Helio G90T के साथ में, जो कि मैं ये कह सकता हूँ काफ़ी अच्छे प्रोसेसर है यहाँ पे। ये MediaTek का काफ़ी यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, और जो हमारा Snapdragon का आता है वो भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अगर गेमिंग की, तो अब यहाँ डे टू डे लाइफस्टाइल में तो दोनों में ही लैग्स वगैरह आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे, और जो हमारे दोनों की परफॉर्मेंस है यहाँ पे वो काफ़ी यहाँ पे स्मूथ होने वाली है। अब मैं बात करूँ अगर गेमिंग की, तो गेमिंग में इन डिवाइसेस में आपकी पबजी जो है वो यहाँ पे HDR और अल्ट्रा ग्राफिक्स में चल जाएगी आराम से, और लैग्स वगैरह आपको नहीं दिखेंगे यहाँ पे दोनों ही फ़ोन्स में। और मैं बात करूँ अगर यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे परफॉर्मेंस में यहाँ पे दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी अच्छे हैं। बट एक बात है यहाँ पे ये मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ जो है यूट्यूबर्स नहीं बताते हैं कहीं ये बात, क्योंकि हमारा जो Redmi Note 8 Pro है वो एक्सटेंसिव गेमिंग पे या एक्सटेंसिव जो आप यूज़ करते हो तो थोड़ा हीट खत्ता है यहाँ पे, जो MediaTek की चिपसेट है इसमें ओवरहीटिंग इश्यूज है यहाँ पे, तो ये बात मैंने आपको मेंशन कर दी है। लेकिन मैं बात करूँ अगर दोनों ही फ़ोन्स की यहाँ पे कैमरा और बैटरी की, तो जैसा कि आप देख सकते हो दोनों ही फ़ोन्स में यहाँ पे हमें जो कैमराज मिलते हैं वो यहाँ पे हमारे जो दोनों ही फ़ोन्स में हमें यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का कैमराज मिलते हैं। तो यहाँ पे कैमरा में यहाँ पे वॉर है यहाँ पे, क्योंकि दोनों के जो रियर कैमरा आते हैं प्राइमरी जो उसमें
पहला कैमरा आता है वो आता है हमारा 64 मेगापिक्सल का। जो यहाँ पे हमारा रियलमी का XP आता है वो आता है सेकेंडरी लेंस आता है उसका 8 मेगापिक्सल का जो कि वाइड है, और उसमें 2-2 मेगापिक्सल के यहाँ पे सुपर मैक्रो लेंस, और यहाँ पे हमें मिलते हैं टेलीफोटो लेंस। और यहाँ पे जो रेडमी में भी हमें दोनों ही यहाँ पे जो है यहाँ पे 64, 8 और 2-2 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है। जो सेटअप हमें यहाँ पे रियलमी में मिलता है XT में, वही सेम सेटअप हमें रेडमी में भी मिलता है। तो यहाँ पे मैं कहूँ जो रियर कैमरा के जो शॉट्स हैं यहाँ पे, वो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ओवरऑल बेटर परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे रियलमी का XT करता है, क्योंकि इसकी जो डेप्स है या जो उसकी जो क्वालिटी है पिक्चर्स की, वो यहाँ पे ज़्यादा बेटर निकल के आती है। चाहे बात करो डे लाइट की या नाइट लाइट की, यहाँ पे जो क्वालिटी है पिक्चर्स की या वीडियो की, वो ज़्यादा यहाँ पे अच्छी निकल के आती है यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो से। और मैं बात करूँ अगर फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा यहाँ पे जो रियलमी का XT आता है उसमें आता है हमारा 16 मेगापिक्सल का, और जो हमारा यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो आता है उसका फ्रंट कैमरा आता है 20 मेगापिक्सल का। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे दोनों के जो फ्रंट कैमरा है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन मैं बात करूँ अगर ओवरऑल कैमरा की, यहाँ पे जो विनर मेरे हिसाब से निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे रियलमी का XT, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो डिफरेंट फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे या वीडियोस हैं वो मैंने अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी दिखाया है, तो उनका भी ये पर्सनल ओपिनियन है यहाँ पे, या और बंदों का भी यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन है कि रियलमी XT का जो कैमरा है वो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो से। लेकिन मैं बात करूँ अगर यहाँ पे बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पे जो है हमारा जो रेडमी नोट 8 प्रो आता है वो आता है हमारा 4500 mAh की बैटरी के साथ में, और इसमें आती है हमारी 18W की फास्ट चार्जिंग। लेकिन हमारा जो रियलमी का XT आता है वो आता है हमारा 4000 mAh की बैटरी के साथ में, लेकिन उसमें जो चार्जिंग मिलती है वो मिलती है हमें 20W की वूक फ्लैश चार्ज। तो मैं ये कह सकता हूँ चार्जिंग भी ऑलमोस्ट दोनों की सेम है, लेकिन बैटरी में यहाँ पे दोनों ही फ़ोन जो है वो इक्विवेलेंट है। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ इक्विवेलेंट है, क्योंकि हमारे जो बैटरी बैकअप मिलता है हमें जो रियलमी XT में, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है। चाहे उसकी 4000 mAh की बैटरी हो और रेडमी नोट 8 प्रो की 4500 mAh की है, लेकिन जो बैटरी बैकअप मिलता है यहाँ पे दोनों में ही काफ़ी अच्छा मिलता है। दोनों ही ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलर परफॉर्म करते हैं हैवी टू नॉर्मल यूजेज में। तो यहाँ पे मैं बात करूँ अगर कंक्लूजन की, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे ओवरऑल जो है आपका जो विनर निकल के आएगा यहाँ पे, वो निकल के आएगा हमारा यहाँ पे रियलमी का XT। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या फ़ायदा होगा रियलमी XT लेने का ओवर रेडमी नोट 8 प्रो। तो अगर आप यहाँ पे रियलमी का XT लेते हो यहाँ पे, तो रियलमी XT आपको जो है यहाँ पे उसमें आपको एक अच्छा कैमरा मिलेगा, अच्छा रियर कैमरा मिलेगा आपको, अच्छे उसमें क्वालिटी वीडियोस मिलेंगे, ओवरऑल स्टेबलाइज शॉट्स मिलेंगे, स्टेबलाइज वीडियोस मिलेगी आपको, उसमें अच्छी एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी आपको। एमोलेड डिस्प्ले की वजह से उसमें यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा जो कि काफ़ी फास्ट है, और 16000 के फ़ोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। और आपको उसकी वजह से यहाँ पे जो ओवरऑल जो डिज़ाइन है यहाँ पे, इन हैंड फील है यहाँ पे, वो ज़्यादा प्रीमियम है यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो से। Redmi Note 8 Pro की भी अच्छी है, बट यहाँ पे Realme का XT यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम फील करता है, ज़्यादा आपको अच्छा फील करता है आपके हाथ में, अच्छा आपको स्टर्डी और बिल्ड क्वालिटी भी ज़्यादा बेटर है यहाँ पे Redmi Note 8 Pro से। और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, ये बात किसी ने भी नहीं बताई है, यहाँ पे हमारा जो स्पीकर आउटपुट है यहाँ पे वो Redmi Note 8 Pro का बहुत ही बेकार है, बहुत ही थर्ड क्लास स्पीकर लगाया है Redmi ने इस बार। और यहाँ पे जो Realme का XT का स्पीकर है वो भी कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर आप कंपेयर करो यहाँ पे Redmi Note 8 Pro से, तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। अगर आप कंपेयर करो साइड बाय साइड, तो यहाँ पे जो Realme XT का जो स्पीकर है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके आएगा यहाँ पे Redmi Note 8 Pro से। और मैं बात करूँ Redmi Note 8 Pro में आपको हीटिंग इशू मिलते हैं, ओवर हीटिंग इशूज़ मिलते हैं, और Realme XT में नहीं मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कुछ रीज़न्स थे आपको जो है Realme XT खरीदना चाहिए ओवर Redmi Note 8 Pro। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।